मुझे जब इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में जानना था ना, तो मैं गया यूट्यूब पर और मैंने वहाँ पे सर्च किया चीपेस्ट वे टू शिप इंटरनेशनली फ्रॉम इंडिया। एंड वहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिली। एंड 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद आई वॉज लाइक, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि एक छोटी छोटी बातों को भी ना इतना घुमा फिरा के बताया हुआ कि मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन अब आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है यार? आपकी प्रॉब्लम है ना आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल शिपिंग करना, राइट? तो इस वीडियो में ना आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? आप चाहे बिगिनर हो या फिर आप ऑलरेडी सेलर हो या फिर एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर किसी भी लेवल पर आप हो ना, आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो में डेफिनेटली मिलने वाला है, वो भी शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिर, जैसे कि मेरे पास में ना बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के मैसेजेस आते हैं और मेजरली 3 तरह के ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी मैं तीनों के आंसर्स करने वाला हूँ, जिसमें आपको बताया कि पूरा आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से दूंगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इन 3 लेवल पे हो तो डेफिनेटली 3 लेवल ही होते हैं, बट इन 3 लेवल में से आप हो ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलो बात करते फटाफट सबसे पहले लेवल की। जो हमारा पहला लेवल आता है वो है बिगिनर्स। तो ऐसे बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल शिपिंग करना कैसे, राइट? आपका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि मैं करूँ कैसे, करना क्या चाहिए मुझे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है कह सकते हो लो टिकट का है, छोटे प्रोडक्ट्स हैं या फिर कह लो कि ज़्यादा उसका प्राइस वगैरह ज़्यादा नहीं है, लो टिकट है, तो आपको उस प्रोडक्ट को शिपिंग करना है तो बेस्ट रहेगा इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट से आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। मतलब जैसे कि आपको IAC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, GST आपको चाहिए होता है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, एटलीस्ट कंपनी होनी चाहिए, तभी जाके आपको GST मिलेगी, फिर आपको IAC कोड मिलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एज अ बिगिनर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होता, और ना ही सबसे बड़ी बात हमारे पास फंड होता है, पैसे नहीं होते हमारे पास खुद कि हम इसको कर सकें, राइट? तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हो, आप लो टिकट का है आपका, तो फिजिकल की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं, तो फिजिकल आपके पास प्रोडक्ट है, लो टिकट है, तो उसको आप इंडिया पोस्ट से आँख बंद करके ना डिलीवर कर दो, ठीक है? इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रो एंड कॉन्स बताता हूँ। बेसिकली आपको 90% चांसेस में आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा लो टिकट है तो 10% ऐसे चांसेस होते हैं, मेजरली 10% ऐसे चांसेस होते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। सबसे पहला इशू ये आता है इनका। सेकेंड ये है कि आपको जो इंडिया पोस्ट का जो टाइमिंग होता है वो ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी, मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो कंपेयर टू अदर डिलीवरी पार्टनर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं ये, तो इसमें थोड़ा ये इशू आ जाता है। बट हाँ, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा लो टिकट का है तो चल जाता है, इतना वहाँ के कस्टमर्स इतना वेट कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से आप आराम से एज ए बिगिनर अगर आप हो तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा था पहला लेवल। आई होप अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड लेवल वाले लोगों की, जो कि होते हैं ऑलरेडी सेलर्स, मतलब कि वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर मार्केट प्लेसेस पे इंडिया में तो वो सेल कर रहे हैं, बट वो इंटरनेशनल भी सेल करना चाहते हैं। तो उनके मन में सबसे बड़ा डर होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार मैं अपने प्रोडक्ट को शिप कैसे करूँगा, वहाँ तक पहुँचाऊँगा कैसे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा कि क्योंकि आपके पास में फंड्स भी हैं, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड भी है, सारी चीज़ आपके पास में है, तो आप एक अच्छे शिपिंग प्रोवाइडर से भी करवा सकते हो, जैसे कि DHL और FedEx, है ना, इनसे करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लो टिकट का है तो आप इंडिया पोस्ट से भी करवा सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। बट जैसे कि इंडिया पोस्ट का मैंने बताया आपको, वो उनके थोड़े प्रो एंड कॉन्स होते हैं, उनका डिलीवरी का टाइमिंग और जो 90% वाला जो चांस होता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, 10% नहीं होगा, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसका अगर आपको डर है कि यार ऐसा हो जाएगा, तो आप DHL, FedEx या फिर UPS वालों से भी करवा सकते हो। तो इनकी जो बेसिकली मेन जो मुझे अच्छी बात लगती है इनकी, वो है कि इनका जो शिपिंग का जो बेसिकली उनसे भी करवा सकते हो। तो बेसिकली DHL, FedEx और UPS जो इनका है, इनकी जो सर्विसेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, थोड़ा क्या कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है DHL, FedEx काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सही से डिलीवर करना है ना, तो DHL, FedEx की सर्विसेज अच्छी है, इसी वजह से उनकी चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं। तो अभी बेसिकली समझते हैं कि आप इनसे कर कैसे सकते हो। तो देखो, इनके लिए सिंपल सा है कि आप इनके वेबसाइट पर जाओ, DHL, FedEx दोनों की वेबसाइट पर, गूगल पर आपको जा करके मिल जाएगी उनकी, और उनके वहाँ पर नंबर होती है, उनसे डायरेक्टली आप कस्टमर केयर से बात करो, वो लोग से उन लोगों से डिस्कस करो, देन आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे, और आप उनसे बातें करके टाइप कर सकते हो। वेबसाइट पर प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगा, कोटेशन वगैरह भेज देते हैं वो, तो बट वहाँ से ना करके आप डायरेक्टली कॉल पर बातें करो,
तो आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका यार। और थर्ड पे चलते हैं, थर्ड लेवल के बंदे जो कि होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वो ऑलरेडी उनका बिजनेस है इंडिया में है और वो अच्छा लेवल का कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे सेल करें हम, तो मैन्युफैक्चरर बेसिकली वो। बट इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है, इनका सब कुछ बड़ा है, बट इनके मन में भी सेम वही डाउट होता है कि यार मैं मतलब सेल कैसे, वहाँ पे शिप कैसे करूँगा। तो आपको सिंपल सजेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज आपका एक अच्छा खासा बिजनेस है, आपके पास फंड्स, आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीज़ें हैं, तो आप DHL, FedEx या फिर ऐसे बहुत सारे शिपिंग प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी आप करवा सकते हो। बट DHL, FedEx मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इनका शिपिंग की सर्विसेज वगैरह ना काफ़ी सही हैं, तो इनसे आप टाई अप करो, जैसे मैंने बताया कि उनसे बातचीत करो डायरेक्टली कॉल पे, तो वो आपको अच्छा सोल्यूशन दे देंगे। तो बस फिर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप यार, आपको जो अगर भटका रहा है ना कि 200 रुपये में डिलीवर करो, 500 रुपये में डिलीवर करो, उनसे भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली उनके वेबसाइट पर जाओ, उनसे बातचीत करो और बस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया भर की बातें सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिंपल सा सोल्यूशन मैंने बताया, उनसे बातचीत करो बस। शिपिंग प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, उनमें से DHL, FedEx है, सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी है, बट प्राइजेस हाई हैं, ऑब्वियसली प्राइजेस हाई हैं उनके, है ना। तो उनसे बातचीत करो, अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सही है वो, तो उनके साथ में टाइप करो और काम करना शुरू करो। आप बिगिनर हो, अगर आप बड़े मैन्युफैक्चरर हो के भी अगर आपको लगता है छोटा आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट में लो टिकट का है, इंडिया पोस्ट अगर आपका काम हो रहा है तो इंडिया पोस्ट से करो ना, फिर क्यों ठकामका टेंशन लेना, राइट। तो इस तरीके से आप इजिली कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे इंडिया पोस्ट से स्टेप बाय स्टेप शिप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली, तो मेरे को नीचे कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो फटाफट से करो, लाइक करो इस वीडियो को, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM करो मुझे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित पिल्ले।